तो आइए मेरे शो पे पहली दफा आपकी मैं मुलाकात कराती हूँ अदनान समद खान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज आपको लोगों ने रियल उस पे भी देख लिया लाइव जी बिल्कुल। प्लीज बैठ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई डोंट थिंक सो आपने कोई कभी इंटरव्यू कहीं दिया, सोशल मीडिया पे शायद दिया होगा लेकिन किसी चैनल पे मैंने आपको इंटरव्यू देते नहीं देखा। नहीं, बहुत कम, बहुत कम है ना। तो मैंने कहा भाई, क्योंकि मैंने आपका काम देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपके बारे में बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि ये एकदम अदनान कहाँ से आ गए, ये एक्टिंग करते हुए हमें कैसे नजर आ गए, क्या एक्टिंग पढ़ी है या लाइक किस तरह आपका आमद हुई इस फील्ड में? एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। और मैं तकरीबन 6th क्लास में था जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बिकम एन एक्टर। ओहो। घर वालों को जाके ये बताया, क्योंकि वो तो कहते नहीं डॉक्टर इंजीनियर और फला 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 बनना है, है ना? वो तकरीबन एजुकेशन वाले सारे टाइम में यही होता रहा कि नहीं 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 पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने जिद लगा ली थी कि अब मैं नहीं, अब मैं सिर्फ अदाकारी करूंगा। और इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नैपा ज्वाइन किया। मुझे शक था कि ये बच्चा वहीं का निकला हुआ है, मुझे शक। आपकी एक्टिंग देख के ना, एक एक नापा के जो होते हैं पढ़े हुए एक्टर्स, उनका कहीं ना कहीं होता है कि ये समझ के एक्टिंग कर रहे हैं, इनको लाइक बताया गया है किधर पॉज लेना, और वो समझदारी वाली चीज नजर आती है ऑन स्क्रीन। सो नापा में इंटर के बाद आप नापा में आपने कितने अरसे तक लाइक नापा में? 3 साल मैंने किया था। 3 साल के। सो इंटर के बाद आप नापा ज्वाइन कर सकते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? आप 10th क्लास के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं? इंटर लाजमी है। ओके। और वहाँ 3 साल का आपने किया? सो वहाँ पे तो होता है ना, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और बाकी सारी चीज़ों से भी वाकिफ करवाते हैं, फिर वहाँ आप स्पेशलाइज किस चीज़ में करना है तो आप जान पाते, लेकिन आप सोच के गए थे कि मेरी स्पेशलाइजेशन भी एक्टिंग में है, मतलब आई हैड एन ऑप्शन कि स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन, मैंने एक्टिंग ही चूज किया था। अच्छा। मैंने एक्टिंग ही की थी 3 साल। कोई और घर में एक्टर? नहीं। किसी और से इंस्पिरेशन ली फैमिली वगैरह में कहीं, या नहीं? नहीं, मैं स्कूल में भी यही करता रहता था। अच्छा, मतलब लाइक पढ़ाई से ज्यादा उसमें ड्रामे और थिएटर ये वो सारा स्कूल में भी यही करता रहता था। अच्छा। शौक इसी चीज का था और काम और कोई आता ही नहीं है मुझे, क्या कराची में पढ़े हैं आप या लाहौर में पढ़े? कहाँ? नहीं, मैं वही, मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो वही मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ से। सो मुश्किल नहीं हुई जैसे लाइक नापा में पढ़ने के बाद थोड़ी सी आसानियाँ हो गई अपने लिए कैरेक्टर्स चूज करने के लिए या मौका पाने के लिए स्क्रीन पे आने के लिए? आसानियाँ मतलब वो कहा जाता है कि इस काम को आप जितना सीखते जाते हैं उतना मुश्किल होता जाता है। हाँ। तो नेपा में आने के बाद फिर हम बहुत ज़्यादा मतलब चूजी भी हो जाते हैं कि हाँ। ये काम नहीं करना है भाई, ये काम तो नहीं करूँगा। हाँ। ये काम तो नहीं करूँगा। हाँ। तो वो फिर मतलब वो चीज़ भी होती है। हाँ। लेकिन फिर आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे अहद वफा का मिल जाना स्ट्रोक ऑफ लक था मेरे लिए। तो पहला था आपका? बिल्कुल पहला था। और फिर आपने जाके ऑडिशंस दिए थे उसके लिए? जी। किसको दिया? ऑडिशन टेप भेजा था मैंने। अच्छा, ऑडिशन टेप भेजा था। क्योंकि उसके जो राइटर थे मुस्तफा अफरीदी साहब, उनको चाहिए था एक नेटिव सराय की स्पीकर। ओह अच्छा। तो बहुत बजट थे उस कैरेक्टर के लिए, उनको ऑडिशन में कोई पसंद नहीं आ रहा था, एंड जब मैंने ऑडिशन टेप भेजा तो उन्होंने कहा बस इस लड़के को बुला लीजिए। तो वहाँ से आपका Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.